हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही शिबा का प्राइस लगातार डाउन में जा रहा है। अगर हम वन वीक की बात करें या फिर वन डे की बात करें, तो क्या यहां पर फिर से एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है? क्या शिबा का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है और आने वाली कुछ अपडेट्स जिससे शिबा के प्राइस पर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको शिबा को होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहली न्यूज की ओर अगर हम आए, तो आप देख सकते हैं, अ मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज सीईओ इज सेट ऑन होल्डिंग शिबा इनू क्रिप्टो लॉन्ग टर्म डिस्पाइट इट्स रिसेंट टंबल। जहां पर एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के जो सीईओ है, उन्होंने भी यहां पर शिबा को होल्ड करके रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ लोगों का सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या शिबा को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म के लिए ही दोस्तों ये कॉइन बना हुआ है, बेस्ट है। अगर हम पिछले वन मंथ की बात करें, तो वहां पर इसने 1000% का प्रॉफिट दे दिया, जो शायद ही आज के समय में कोई कॉइन दे रहा होगा। तो यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, आपने हाई प्राइस में खरीद लिया है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। आप उसे संभाल कर रखें, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर शिबा में फिर से पंप देखने को मिलेगा। अभी यहां पर जो दिक्कत आ रही है, वो पैनिक सेलिंग की आ रही है। अगर हम इस क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें, तो आगे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया था, तो मेटावर्स रिलेटेड जितने भी टोकन है, उन सभी के प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिला था। अगर हम सेंट की बात करें या फिर माना कॉइन की बात करें, तो लगभग इनमें 200 से 210% की ग्रोथ देखने को मिली थी। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें शिबा की या फिर डॉज की, तो अभी दोनों कॉइन नीचे की ओर आ रहे हैं। टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं, सेंट आपको देखने को मिलेगा, आईओटीएक्स कॉइन आपको देखने को मिलेगा, जो लास्ट 7 डेज में लगभग 107% बढ़ा हुआ है। अगर हम यहां पर ऐसे कॉइन्स की बात करें जो डिक्लाइनर है, उसमें आपको शिबा इनू सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, जहां लास्ट 7 डेज में लगभग 30-40%, जिसे हम एक हेल्दी करेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर एक क्रैश देखने को मिला है शिबा में। और ये दोस्तों हो रहा है पैनिक सेलिंग के कारण, क्योंकि यहां पर लिक्विडेशन होने के जो चांसेस बन रहे थे, उस वजह से कई लोगों ने उसे सेल कर दिया। अभी भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये पैनिक सेलिंग दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा यहां पर नुकसान दे सकती है। अगर हम डॉज की बात करें, तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 22% नीचे की ओर आया हुआ। यहां पर शिबा का जो मैजिक आपने देखा था अक्टूबर के महीने में, और उसी से रिलेटेड यहां पर कॉइन के जो सीईओ है, उन्होंने यहां पर जानकारी शेयर करी है। कॉइन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और वहां पर अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर हम देखें, तो शिबा ने बीटीसी को पीछे किया। और जो शिबा का वॉल्यूम था दोस्तों, वो बीटीसी से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा था। और दोस्तों, अगर हम शिबा की बात करें, तो जो गूगल क्रिप्टो करेंसी है, उनमें नंबर 3rd पर वर्ल्ड वाइड शिबा इनू रैंक कर रहा है। और यहां पर शिबा का प्राइस लगभग 30 डेज में 380% अभी भी बढ़ा हुआ है। और अगर हम लास्ट 12 मंथ की बात करें, तो वो तो कहीं ज्यादा हो रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं 76 मिलियन% की ग्रोथ यहां पर लास्ट 12 मंथ में देखने को मिली हुई है। और अगर हम यहां पर कंपेयर करें शिबा का बीटीसी के साथ, तो हर कोई शिबा में इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बीटीसी की बात करें, तो बीटीसी का प्राइस ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप यहां पर शिबा में लगभग $100 भी लगा रहे हैं, तो वहां से आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में शिबा इनू कॉइन मिल भी रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक सवाल यह उठता है कि क्या आपको शिबा को अभी होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट अगर 7 डेज की बात करें, तो लगभग 30-40% शिबा का प्राइस डाउन में आया हुआ है, एक हेल्दी करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखें, तो जो सीईओ है कुकॉइन के, उन्होंने भी ये कहा है, ही वुड होल्ड द मीम कॉइन इन द लॉन्ग टर्म अलोंग विद बीटीसी एंड डॉज कॉइन। जहां पर वो कह रहे हैं कि वो शिबा इनू कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं बीटीसी और डॉज कॉइन के साथ, और यहां पर जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, उससे उनको कोई इतना ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही। तो यही आपको भी समझना है दोस्तों, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो यहां पर लॉस में अपने कॉइन्स को बेच रहे हैं, उन्हें कुछ टाइम तक इस कॉइन को अभी होल्ड करके रखना चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, शिबा इनू कॉइन क्रेज्ड अगेन, हियर्स व्हाई, कि शिबा इनू कॉइन यहां पर क्रेज्ड हो चुका है। और क्यों हुआ है, उसका रीजन आप जानते ही होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, यहां पर लगभग 40 ट्रिलियन के शिबा इनू टोकन, जिनकी जो वैल्यू हो रही है, वो लगभग $2.7 बिलियन हो रही है, उनको 4 क्रिप्टो वॉलेट्स में यहां पर ट्रांसफर किया गया है। और इसी वजह से कई लोग यहां पर पैनिक में भी आ रहे हैं और पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं, जिस वजह से यहां पर शिबा का प्राइस जो है, वो लगातार डाउन में भी आ रहा है। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों क्रेकन की, तो क्रेकन ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि वो ये ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि अभी मोर वर्क बाकी है। और जो लिस्टिंग है दोस्तों, वो अभी अंडर रिव्यू है, उसके बाद ही यहां पर वो कुछ जानकारी देंगे लिस्टिंग से जुड़ी। वैसे दोस्तों, जहां शिबा का प्राइस लगातार डाउन में आ रहा है, वहीं शिबा इनू इकोसिस्टम का एक और टोकन है, जिसका प्राइस अच्छा खासा
पंप हो रहा है वो ETH को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लीश प्राइस अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा पंप हुआ है 24 आवर्स में, और उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये भी है कि ये OKX पर आ चुका है। OKX के द्वारा यहाँ पर लीश टोकन को लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग 2 आवर पहले ये जानकारी शेयर, लीश USDT का पेयर यहाँ पर शुरू हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं November 5 अवेलेबल फ्रॉम 8 AM के आसपास ही अवेलेबल हो जाएगा आज के दिन से। अगर हम OKX की बात करें दोस्तों तो OKX के लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, मतलब एक काफी बड़ा एक्सचेंज है, और इसी वजह से अगर आप देखें में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो लीश का सप्लाई है वो काफी लिमिटेड भी है, और लीश की अगर हम बात करें तो इसकी लिस्टिंग भी लगातार हो रही है। यहाँ पर अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो इसका जो प्राइस है 2,45,633 रुपए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस डाउन में जरूर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज है ये लिस्टिंग की, उसके बाद से आप देख सकते हैं 2,16,000 से सीधा ये 2,45,000 को छू दिया है और अभी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों शिबा इनू इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक और न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ अ रिस्की बेट ऑन द शिबा इनू कॉइन मेड दिस वेयर हाउस मैनेजर अ मिलियनेयर। जहां पर एक वेयर हाउस मैनेजर के द्वारा शिबा इनू में लगभग $8,000 लगाए गए थे, और उन्होंने कुछ कॉइन्स के बारे में सर्च किया तो उनका जो ध्यान था वो शिबा इनू कॉइन पर गया। उसके बाद जो $8,000 थे वो कन्वर्ट हो गए लगभग $1.5 मिलियन में। शिबा इनू की इन्वेस्टमेंट उनको इतना ज्यादा फायदा दे गई जो आप यहां पर देख सकते हैं। फॉर्च्यून के द्वारा भी ये न्यूज शेयर की गई, कैसे एक रिस्की बेट लगाई थी शिबा इनू कॉइन पर एक वेयर हाउस मैनेजर ने, और वो वहां से मिलियनेयर बन गया। फॉर्च्यून की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है, और उन्होंने यहां पर ये न्यूज शेयर की है कि शिबा इनू ने कितने लास्ट महीने में मिलियनेयर बना दिया। और दोस्तों अगर हम शिबा के प्राइस की बात करें तो शिबा अभी ट्रेड कर रहा है $0.00046 पर, और 24 आवर्स में आप देख सकते हैं यहां पर जो प्राइस गिरा हुआ है लगभग 20% गिरा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों सपोर्ट तो वो 0.00042 पर बना हुआ, वहां से ये नीचे नहीं आ रहा है। वहां से अगर हम देखें तो बाउंस बैक कुछ देर पहले भी इसने किया हुआ, और यहाँ पर भी आप देखें तो लगातार अभी थोड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई है, उसके बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। दोस्तों उम्मीद है कि शिबा का प्राइस यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में क्रेकन के द्वारा शिबा को लिस्ट किया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें रॉबिनहुड की तो उससे जुड़ी कोई अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन AMC थिएटर शिबा को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ पेमेंट, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर लिक्विडिटी की जो खबरें हैं उस वजह से शिबा के प्राइस में एक मेजर डंप देखने को मिल रहा है। और कोई भी अपडेट निकल कर आती है दोस्तों शिबा इनू से जुड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।